दोस्तों आप लोग देख सकते हो, शाम शाम को 7 बज गई और हम ना अभी दोस्तों आज सिलाई सिखाने में व्यस्त थी हम, और अभी हमको छुट्टी मिला है, मतलब 4 बजे, उसको बाद घर के काम किए हैं। और यहाँ स्कूलिया ड्रेस सिल रही हूँ, यहाँ पर सलवार बना रही हूँ और सूट भी बनाना है, लेना है दोस्तों। उन लोग के परीक्षा में पहन कर बुलाए हैं सर, इसलिए अर्जेंट दी है, तो हमको तो काम है ना, कोई देगी हम ना ही सी, ऐसा हो सकता है का? तो दोस्तों किनको किनको सिलवाना है कमेंट करें, नहीं तो हमारा घर है समैया में, आप लोग आ सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं जोड़ कर और सिलने जा रही हूँ, 2 सीट सिलना है। आप लोग देखिए कितना जल्दी में हम सिलते हैं। खाना भी बनाना है लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी आज, मतलब बनाऊंगी 8 बजे, 1 घंटा सिलाई करूंगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद खाने के बाद सो जाते हैं ना, इसलिए 1 घंटा हम सिलाई कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं सिलाई कर लेती हूँ। यहाँ पटियाला वाला है सलवार, दोस्तों आप लोग देख सकते हो, एक यहाँ सलवार सिल ली मैं, आप लोग देखिए यहाँ पॉकेट लगाए हैं, मतलब व्हाइट कलर का 2 मीटर कपड़ा था तो नहीं बचा है, तो हमने लगा दी है सूट, सूट है इस कलर का, उसी में से बच गया है, तो इसमें जेबी हम लगा दिए हैं। और देख सकते हो यहाँ इस सलवार सिल ली मैंने, यहाँ पर मोड़ी है 6 इंच का। तो दोस्तों एक तैयार हो गया, इसमें के सूट अभी बाकी है, जब तक मैं एक और सलवार यहाँ पर बिठाई हूँ, दूसरा सलवार सील रही हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, वो भी दिखाएंगे और सूट कैसा सिलेंगे वो भी बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों दो को सलवार हम सी लिए और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और सुबह में उठेंगे 4 बजे भोरवा में तो सील लेंगे ना सूट दो को, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सर भी हमको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बना लूँगी जल्दी जल्दी। और सलवार दो को सिल दी, सूट सिलना बच गया, सुबह में उठूँगी सूट सिल लूँगी और उसको बाद घर का काम करके उसको बाद खाना वाना बनाएंगी, 8 बजे आएगी और 8 बजे का टाइम दिए हैं। दोस्तों हम किसी का टाइम देते हैं ना, वादा करते हैं तो वादा भी निभाते हैं, हम टाइम दे दिए हैं ना 8 बजे का, 8 बजे कपड़ा दे दूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने, जब तक बाय बाय, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आज बोल रही हूँ लाइक भी कीजिए प्लीज़।